हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शालिनीस कॉर्नर। तो गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ कलाकंद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मैंने कैसे बनाया है और देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। ये मैंने बहुत ही इजी एंड क्विक बनाया है और ये मैंने बनाया है फटे हुए दूध से। जी हाँ, मेरा दूध फट गया था तो मैंने उसकी अच्छी सी एक कलाकंद बना दी है। बहुत ही अच्छी स्वीट डिश है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरे इंग्रेडिएंट्स। मैंने फटा हुआ दूध ले लिया है एक कटोरी और ये मेरा मिल्क पाउडर है, ये केवरा एसेंस है, ड्राई फ्रूट्स मिक्स लिए हैं और शुगर ली है। कढ़ाई मैंने गरम करने रख दी है और इसमें मैं अपना पहले जो मेरा फटा हुआ दूध है इसको हम मिला लेंगे। इसमें अच्छे से डालूंगी और इसको पिघला लूंगी। तो मैंने ये रात भर एक हैंकी में बांध के रख दिया था फटे हुए दूध को, ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए, इसका सारा पानी नीचे उड़ जाए। और उसके बाद मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, तो फ्रिज में थोड़ा जम गया। तो इस तरह से ये बहुत अच्छा बनता है। तो देखिए, इसको मैंने पिघला के अभी इसमें मैं शुगर ऐड करूँगी। सबसे पहले हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। शुगर ऐड करने से क्या है, हमारे पनीर के अंदर पूरी अंदर तक मिठास चली जाएगी। उसके बाद हम इसमें दूसरे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो मैंने शुगर डाली है, मैंने शुगर गाइस इतनी ली है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा मीठा ले सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें मिल्क पाउडर भी यूज़ कर रही हूँ, तो मिल्क पाउडर भी मीठा होता है। इसके लिए मैंने शुगर कम ली है, आप चाहें तो ज़्यादा ले सकते हैं, जैसा शुगर आप खाना पसंद करते हैं। तो देखिए, इसको मैं अच्छे से हिला रही हूँ और इसमें घी भी छूटना शुरू हो गया है। तो जब ही हमारा घी पूरा सूख जाएगा उसके बाद हम इसमें अपना मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। तो देखिए, ये घी निकल गया है इसमें। तो हम जब ही घी निकलने लगेगा तभी हम इसमें अपने आधे ड्राई फ्रूट डालेंगे और आधे मैंने डेकोरेशन के लिए बचा लिए हैं, और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी मैं। तो देखिए, आप इसमें चाहे तो कलर भी डाल सकते हैं। अगर आपको कलरफुल कलाकंद पसंद है तो आप इसमें पिंक या ग्रीन, जो भी आपको कलर अच्छा लगता है, येलो टाइप, जो भी अच्छा लगता है वो कलर डाल दीजिए। लेकिन मैं इसको प्लेन वाइट ही बना रही हूँ, ये हल्का सा क्रीमिश कलर का बनेगा। तो देखिए, मैंने इसको भून लिया है और इसको अच्छे से भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना मिल्क पाउडर। तो देखिए, अभी मैं इसको थोड़ी देर और इस तरह से चलाती रहूँगी, पूरा ड्राई करूँगी इसको। और देखिए, पूरा ड्राई हो गया है। अब इसमें अपना मिलाएंगे मिल्क पाउडर। तो मैं इसमें मिल्क पाउडर मिलाऊंगी अभी इस स्टेज में। तो देखिए, इसमें मिल्क पाउडर मैंने ऐड कर दिया है और मिल्क पाउडर मैंने हाफ कटोरी लिया है। तो इस तरह से मिलाएंगे इसको, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत इजी एंड क्विक बन जाने वाला रेसिपी है ये। इसको मुश्किल से आपको 15 मिनट भी नहीं लगेंगे बनाने में, बहुत इजी बन जाती है। और खाने में गाइस एकदम मार्केट वाला टेस्ट आएगा। तो देखिए, इस तरह बन गया है। और मैंने मार्केट फ्लेवर देने के लिए इसमें केवरा एसेंस लिया है। आप चाहे तो कोई भी एसेंस ले सकते हैं, लेकिन केवरा एसेंस जो है वो हमारी कलाकंद को पूरा मार्केट वाला फील देगा। तो उसका कलर भी देखिए गाइस, हल्का सा क्रीमिश कलर आया, एकदम वाइट भी नहीं आया, एकदम येलो भी नहीं आया, एकदम मार्केट वाला कलर हमारे कलाकंद का आया है। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा कलर आया है गाइस। तो अभी मेरा बनके रेडी है। अभी मैं एक ट्रे ली है मैंने, इसमें मैंने घी पहले से ही लगा लिया है और इसको हम रखेंगे इसमें सेट करने के लिए। इसमें सेट करेंगे इसको। तो मैं अपने कलाकंद को इस तरह से इसमें निकाल लूँगी और देखिए कलर कितना प्यारा लग रहा है, हल्का सा येलोइश कलर आया है। मैंने कोई भी कलर इंक्लूड नहीं किया है, मेरा खुद से ही ये, जितना इसको आप भुनेंगे, जितना फ्राई करेंगे इसको, उतना ही इसमें अच्छा कलर आता है। तो देखिए, इसको हम इस तरह से ट्रे में निकाल लेंगे और अच्छे से सेट करेंगे। तो अगर आपका कभी भी दूध फट जाए या आपको कलाकंद खाने का मन हो, तो आप अपने फटे हुए दूध से इस तरह से कलाकंद ईजिली बना सकते हैं। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कलाकंद, तो बहुत टेस्टी लगता है गाइस खाने में, और बहुत इजी एंड क्विक बन जाने वाली रेसिपी है ये। मतलब कुछ भी टाइम नहीं लगता है और बहुत ही इजीली ये बन जाता है। तो मैं इस तरह से इसको सेट कर दूंगी। तो देखिए कितने अच्छे से ये सेट भी हो गया है और इसको बनने में मुश्किल से 15 मिनट लगे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। तो देखिए, इस तरह से हमारा एकदम प्योर घर का बना हुआ कलाकंद रेडी है। और इसको मैं डेकोरेशन कर दूंगी अभी थोड़े से ड्राई फ्रूट से। तो पहले मैं इसको सेट कर लेती हूँ। तो देखिए, इसको इस तरह से सेट कर लेना है, ऊपर से थोड़ा सा इसको चिकना करना है। और उसके बाद इसमें अभी ऊपर से ऐड कर देंगे हम अपने ड्राई फ्रूट्स। तो आपको जो ड्राई फ्रूट्स अच्छे लगते हैं आप वो ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, मैंने मिक्स ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। तो देखिए, इस तरह से मैं इसमें ये फैला लूँगी ऊपर से, और देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ये। तो देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है, मैंने डेकोरेशन कर लिया है ड्राई फ्रूट से। और मैं इसको इस हल्के सा प्रेस कर लूँगी ताकि ड्राई फ्रूट्स भी इसमें अच्छे से चिपक जाएं। और इस तरह से मैंने इसको अच्छे से ऊपर से भी प्रेस कर लिया है और साइड से भी मैं इसको थोड़ा सा प्रेस कर लूँगी। और इसको रूम टेम्परेचर में मैं 1 घंटे के लिए छोड़ दूँगी, उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो गाइज़, इस तरह से आप घर में ही कलाकंद बना सकते हैं। तो देखिए, मेरा ये 1 घंटा हो चुका है और मैं अब इसको कट कर रही हूँ इस तरह से। तो ये बहुत ईजिली कट हो जाता है। तो देखिए, ये इस तरह से मैं कट कर लिया है मैंने इसको।
और आपको इसको एकदम सॉफ्टली कट करना है, नहीं तो ये बहुत सॉफ्ट होता है कलाकंद, तो टूट भी सकता है, टूट के बिखर जाता है। तो इसके लिए हम इसको ईजिली कट करेंगे और एकदम हल्के हाथों से कट करेंगे क्योंकि ये टूट के बिखर जाता है। इस तरह से मैं इसको कट कर लूँगी और ये देखिए मैंने कट कर लिया है और इस तरह से मैं इसको अभी डीपली कट करूँगी। ऊपर से मैंने कट किया था, अभी डीपली कट कर रही हूँ और एक पीस मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ। बहुत सॉफ्ट होता है गाइस, मैं पकड़ते ही टूट जाता है और साइड वाला मेरा थोड़ा सा क्रैक भी हो गया है तो वो मैं बाद में सेट कर लूँगी उससे। तो देखिए कितना अच्छा बना है, एकदम मार्केट वाला फील आ रहा है। तो आप भी इस तरह से कभी आपके घर में दूध फट जाए तो आप इजीली इस तरह की मिठाई बना सकते हैं, अपने लिए कलाकंद बना सकते हैं। तो ये था मेरा आज का रेसिपी। तो अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आया हो गाइस, मेरा कलाकंद बनाने का स्टाइल पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर एंड आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। और आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं या चाहते हैं मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।